जहां शिवसेना ने मैंने कहीं लिखा था डिटेल, मेरे पास मुझे नहीं मिल रहा, बट मैं अभी वो आपको दूंगा। एनीवे, शिवसेना ने एक कंपनी है जिसको बीएमसी की जमीन कई सौ एकड़, कितनी है, कितनी जमीन है वो मैं जरा खाली देखने की कोशिश कर रहा था कि वो जमीन कितनी है, एक बिल्डर्स हैं उनको दी है, और उस वो जो कंपनी है बिल्डर्स हैं वो अबू आजमी साहब के दामाद हैं, उनकी कंपनी है, तो ये प्रूफ है कि वो शिवसेना को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस को कमजोर करते हैं। आगे फरहान साहब को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फरहान साहब आपकी ये पहचान है कि आप अबू आजमी साहब के बेटे हैं, आयशा तकिया के हस्बैंड हैं, इससे ज्यादा जिस दिन पहचान बन जाए, जिस दिन आप केआरके के बराबर में आ जाओ, उस दिन आप केआरके के बारे में बात करें। आपके ट्विटर पे, जिस ट्विटर की आप बात करते हो उस पे 5000 फॉलोवर हैं, केआरके के 5-7 फेक अकाउंट है जिनके उनसे डबल फॉलोवर हैं, तो पहले वो मेरी हैसियत के बराबर में आ जाएं और फिर वो मुझे बताएं कि मुझे किस तरह रहना है, किस तरह मेरी बोलचाल होनी चाहिए और किस तरह मुझे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। तो इस वक्त अभी मैं पार्टी छोड़ चुका हूं, अब मैं जाऊंगा और अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस लूंगा, और क्योंकि फरहान ने कहा था कि वो मेरा पर्चा फाड़ देंगे, उनकी वो तो औकात है नहीं, वो अपना ही पर्चा मुलायम सिंह से ले लें तो वो फिर मेरा पर्चा फाड़े, मैं वो पर्चा खुद अपने हाथों से कैमरे के सामने वो मुलायम सिंह साहब के सिग्नेचर वाला पर्चा मैं फाड़ के उनको बताऊंगा कि ये मैं आपकी पार्टी छोड़ रहा हूं और मुझे अबू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेंबर नहीं रहना है। शुक्रिया। लेकिन जब आपने ज्वाइन किया होगा तो भी तो एक सारे डिटेल्स रहे तो उसी डायरेक्टरों से जी जो सारी बातें आप कर रहे हैं ज्वाइन करने से पहले की ये बातें आप पता रही होंगी आपकी, फिर आपने क्यों ज्वाइन किया? नहीं, अब प्राइवेट लिमिटेड आज नहीं बनी है ना ये? नहीं, मुझे नहीं पता था, मैंने जैसे कहा कि मैंने कंपनी इसीलिए ज्वाइन की थी, मुझे ये पता था कि जो भी डिसीजन होता है वो लखनऊ से होता है, वो क्योंकि जब मुझे पर्चा मिला उस पे साइन मुलायम सिंह। कितने तारीख को ज्वाइन किया था अपने पार्टी? अभी 10-15 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया था, जब मुझे पर्चा मिला उस पर्चे पे साइन थे मुलायम सिंह साहब के एंड राम गोपाल यादव जी के, उस पे कहीं अबू आजमी साहब के साइन नहीं थे, तो मुझे यही पता था कि ये पर्चा मुझे उन्होंने दिया है, मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और मुझे निकालना या रखना या लड़ाना ये मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी या राम गोपाल जी का ही काम है। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये फरहान आजमी डिसाइड करते हैं कि कौन पार्टी में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये बात आप मुलायम सिंह यादव या राम गोपाल वर्मा के पास लेकर, यादव के पास लेकर कि मुझे पार्टी में ज्वाइन किया और ये मुझे प्रेशर डाल रहे हैं छोड़ूं मैं पार्टी या मैं छोड़ना चाहता हूं, ये खबर आपने वहां पहुंचाई? नहीं, मेरे ऊपर, जैसे मैंने कहा, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला गया कि मैं पार्टी छोड़ दूं। सवाल ये है कि मेरे बारे में फरहान ने गलत बातें लिखने की कोशिश की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला बुलाकर गलत बातें करने की कोशिश की गई है, और उसके बाद ही मैंने तहकीकात की कि भाई पार्टी शिवसेना के साथ काम कर रही है। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि पार्टी के पास शिवसेना के कॉन्ट्रैक्ट हैं, शिवसेना ने
200-400 करोड़ रुपए का पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है गार्बेज फेंकने का, आगे 2014 में वो कॉन्ट्रैक्ट 500 करोड़ का हो जाएगा। तो एक आदमी जो शिवसेना के साथ मिलके बिजनेस कर रहा हो, वो शिवसेना के खिलाफ हर वक्त कैमरे के सामने बातें कैसे कर सकता है? मैं तो अब तक उनके स्टेटमेंट वही देखता आ रहा था, तो मुझे यही पता था कि भाई ये पार्टी है जो शिवसेना के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है या मनसे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है। मुझे ये पता नहीं था कि ये एक अबू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अपना बिजनेस कर रही है और अपनी जो मिल्कियत है वो बढ़ा रही है। देखिए, इस एरिया के जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो मुझे इसके लिए मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं। और उन सब ने, ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि उन सब ने कल एक पेपर पे साइन करके पार्टी ऑफिस में दिया है कि भाई हम चाहते हैं कि कमाल खान ही इलेक्शन लड़े, बट मैं इस पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बट जैसे वो सब उनके जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी के ही कार्यकर्ता हैं, वो मुझे फोर्स कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि नहीं, आप निर्दलीय लड़िए, इंडिपेंडेंट लड़िए, तो हो सकता है कि मैं अब इंडिपेंडेंट लड़ूंगा।